हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बजाज मैक्सिमा अंसारी ऑटो सर्विस में। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है बजाज मैक्सिमा लूकस कंपनी का जो है सेल्फ फिट करके दिखाएंगे और सेल्फ के अंदर दिखाएंगे कितना माल पड़ रहा है सेल्फ के अंदर, उसको सभी चीज़ को जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं हम लोग। तो पहली चीज़ तो इसकी ये हाउसिंग फट चुका है सेल्फ का, इसको जो हम लोग नया डालने वाले हैं। और सेल्फ के अंदर जो है आर्मेचर नया पड़ रहा है, ये रहा नया वाला आर्मेचर, और एक ये बैरिंग नया नया पड़ रहा है, और एक ये चिमटा सेल्फ पर नया पड़ रहा है। तो इतना सामान जो है सेल्फ के अंदर नया पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है इसकी गरारी के लॉक को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको नए आर्मेचर के अंदर जो है गरारी फिट करके दिखाएंगे। तो ये दोस्तों, गरारी का लॉक जो है निकल चुका है, और गरारी का लॉक निकलने के बाद जो हम लोगों का छल्ला जो है बेकार हो गया था, तो लॉक को जो है हम लोग नया फिट करने वाले हैं। ये रहा हमारा लूकस कंपनी का, टीवीएस कंपनी का लॉक ओरिजिनल, जो सेल्फ के साथ में लगाता है, इसको जो हम लोग अभी फिट करते हैं लॉक को नए वाले आर्मेचर के अंदर। ये दोस्तों, गरारी फिट करने से पहले जो है गरारी ग्रीस में लगा लेंगे गरारी के अंदर बढ़िया तरीके से, उसके बाद ही जो है इसके लॉक को फिट करेंगे। ये हमने जो है नए वाले आर्मेचर के अंदर जो है ग्रीस लगा के गरारी को फिट कर दिया है। अब इसके लॉक को जो है बैठा लेंगे बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों, लॉक जो है हम लोगों का बैठ, ये लॉक जो है हम लोगों का बैठ चुका है गरारी का। ये जो है हम लोगों ने 8 नंबर की गोटी बना रखी है ये लॉक बैठाने के लिए, उस गोटी से जो हम लोगों का आराम के साथ जो है 1-2 बार में ही लॉक बैठ जाता है। तो अभी हम लोगों का जो लॉक कंप्लीट बैठ चुका है, अब हम लोग जो है इसके सेल्फ को फिट करेंगे। ये रहा हमारा नया वाला हाउसिंग सेल्फ का, जिसको जो हम लोग इस सेल्फ के अंदर फिट करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग सेल्फ को फिट करने से पहले जो है सेल्फ के अंदर नए कार्बन लगाएंगे। ये पुराने वाले कार्बन जो हम लोगों के बेकार हो रहे हैं, तो सेल्फ के अंदर जो है हम लोग नए कार्बन भी लगाने वाले हैं। उसके बाद ही जो है आपको सेल्फ को फिट करके दिखाएंगे कंप्लीट ही। ये रहे दोस्तों हमारे नए वाले कार्बन, जिसको जो हम लोग इस सेल्फ के अंदर लगाने वाले हैं। ये तीनों ही कार्बन जो है हमारे सेल्फ के अंदर नए फिट होने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है काई से इसके तीनों कार्बनों को लगा लेते हैं। ये दोस्तों, एक कार्बन जो है हम लोगों का लग चुका है प्लेट के अंदर, एक कार्बन को जो हम लोगों ने लगा दिया है नया, और ये रहा हमारा पुराना वाला कार्बन प्लेट का। तो हम लोग जो है इसकी फील्डों में नए वाले कार्बनों को लगाएंगे, पुराने कार्बन छुटा देंगे इसके और नए कार्बन को लगाएंगे इसके अंदर। ये दोस्तों, फील्डों में जो है कार्बन लग चुके हैं हमारे कंप्लीट ही, तो कार्बन जो है हम लोगों के तीनों नए लग चुके हैं। अब हम लोग जो है इस पर टेप मार लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद ही जो है इसके सेल्फ को फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है होजिंग के अंदर नए वाले वायरिंग को ठोक लेंगे, उसके बाद ही जो है इसके सेल्फ को फिट करेंगे। पहले जो हम लोग नए वाले वायरिंग के अंदर ग्रीस भर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद जो है इसके वायरिंग को फिट करेंगे होजिंग के अंदर। बैरिंग जो है हम लोगों ने ठोक दिया है हाउसिंग के अंदर, ये देख सकते हैं। बैरिंग को जो है इस तरीके से ठोकेंगे, और बैरिंग को ठोकने के बाद जो है पंच कर लेंगे सभी जगह से इस तरीके से, ताकि बैरिंग जो है हमारा उखड़े नहीं चलने पे सेल्फ। इसी तरीके से जो आप लोग भी पंच कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बैरिंग ठोक के जो हम लोगों ने पंच कर लिया है, अब इसके सेल्फ को फिट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो है सेल्फ को फिट करना है इसके। तो चलिए दोस्तों, सेल्फ को जो है हम लोग फिट करते हैं, और फिट करने से पहले जो है गरारी में सभी जगह जो है बढ़िया करके ग्रीस लगा लेंगे। पहले जो है चिमटे की जगह पे ग्रीस लगाएंगे, उसके बाद जो है ये बैरिंग वाली जगह पे ग्रीस लगा लेंगे, उसके बाद ही जो है सेल्फ को फिट करेंगे सब जगह ग्रीस लगाने के बाद बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो है इस तरीके से गरारी पर हल्का मोबलाइल लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है मोबलाइल ग्रीस दोनों चीज़ें लगा ली हैं, और उसके बाद इस तरीके से चिमटा फंसाएंगे गरारी के अंदर, और इस तरीके से फिट कर देंगे हाउसिंग के अंदर। तो हमारा आर्मेचर जो है फिट हो चुका है पूरी तरीके से हाउसिंग के अंदर, ये देख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसके अंदर फील्डों को फिट करेंगे सेल्फ की। ये रही दोस्तों हमारी फील्डें, इनको जो है फिट कर लेंगे। फील्ड में फिट करने के बाद जो है इसके कार्बन फंसा लेंगे इस तरीके से, तीनों ही कार्बनों को फंसा लेंगे।
उसके बाद जो है तीनों कार्बनों को फंसाने के बाद इसकी बुश प्लेट को फिट करेंगे ऊपर से। ये दोस्तों तीनों कार्बन जो है हमारे फंस चुके हैं कंप्लीट ही। अब हम लोग जो है इसके हल्का हल्का ग्रीस लगा के इसकी बुश प्लेट को फिट करेंगे ऊपर से। ग्रीस को जो है ध्यान से हल्का हल्का लगा लेंगे ताकि बुश जो है हमारा कटे नहीं जल्दी, इसलिए ग्रीस को जो है बढ़िया करके लगा लेंगे सभी जगह। उसके बाद ही जो है इसकी बुश प्लेट को फिट करेंगे इस तरीके से। ये दोस्तों बुश प्लेट भी जो है हम लोगों की फिट हो चुकी है। अब इसके लॉक को लगा लेंगे बार से लगाने के बाद। ये दोस्तों बार्सल जो हम लोगों ने लगा दिया है, उसके बाद ये लॉक भी जो हम लोगों ने फिट कर दिया है आर्मेचर के अंदर। अब हम लोग जो है इसके चारों आठ नंबर वाले बोल्ट लगाएंगे और उनको टाइट करेंगे। पहले जो है छोटे वाले बोल्टों को लगा लेंगे, उसके बाद ये बड़े वाले बोल्टों को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो आपको चारों ही बोल्टों को लगा के दिखाते हैं सेल्फ के। इस तरीके से जो है पहले एक बोल्ट को लगा लेंगे छोटे वाले को, उसके बाद जो है इसको टाइट कर लेंगे आठ नंबर की कोटी से, उसके बाद दूसरे वाले बोल्ट को लगाएंगे। ये दोस्तों दोनों ही बोल्ट जो है हम लोगों ने लगा दिए हैं छोटे वाले, अब इनको जो है टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद इसके बड़े वाले बोल्टों को लगाएंगे। तो हमारे छोटे वाले नट जो हैं कम्प्लीट टाइट हो चुके हैं आठ नंबर वाले। अब हम लोग जो है बड़े वाले बोल्टों को लगा लेते हैं दोनों को, उसके बाद बड़े वाले बोल्टों को टाइट करके दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों दोनों ही बड़े वाले बोल्ट भी लग चुके हैं। अब हम लोग जो है इनको आठ नंबर की गोटी टी से टाइट कर रहे हैं। टाइट करके आपको जो है इसकी सेल्फ की डब्बी लगा के दिखाएंगे, उसके बाद जो है सेल्फ को चेक करके दिखाएंगे आपको, और सेल्फ को जो है स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आपको, स्टार्टिंग भी दिखाने वाले हैं सेल्फ की। ये दोस्तों बड़े वाले बोल्ट भी जो हम लोगों के दोनों टाइट हो चुके हैं। दोनों ही बोल्टों को जो हमने बढ़िया करके बड़े वालों को भी टाइट कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम लोग जो है इसकी सेल्फ वाली डब्बी को लगाएंगे। ये रहा दोस्तों सेल्फ की डब्बी का पिस्टन, जिसको जो है पहले डब्बी लगाने से पहले पिस्टन को लगा लेंगे, उसके बाद ही जो है इसकी सेल्फ की डब्बी को लगाएंगे। इस तरीके से जो है सेल्फ की डब्बी को लगा लेंगे, उसके बाद इसके दोनों नटों को लगाएंगे दस नंबर वालों को, और दोनों नटों को जो है लगा के टाइट करेंगे बढ़िया करके। ये दोस्तों डब्बे के भी जो है दोनों नट हमारे टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब हम लोग जो है इसकी मेन वाली सेल्फ की तार लगा के टाइट करेंगे डब्बे के अंदर। ये रही दोस्तों हमारी मेन वाली सेल्फ की तार, इसके नट को जो है लगा के टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो आपको सेल्फ को चेक करेंगे, इसके सेल्फ को चेक करके दिखाएंगे, उसके बाद जो आपको गाड़ी में लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आपको। ये दोस्तों तार का नट जो है हमारा बढ़िया करके टाइट हो चुका है ये। अब हम लोग जो इसके सेल्फ को चेक करते हैं ले चल। ये दोस्तों सेल्फ को जो है हम लोग ले आए हैं बैटरी के पास। अब हम लोग जो इसको चेक कर रहे हैं। ये दोस्तों सेल्फ जो हम लोगों का चेक हो चुका है, अब हम लोग इसकी सेल्फ की डब्बी को चेक करेंगे। तो दोस्तों सेल्फ की डब्बी भी जो हम लोगों की फर्स्ट क्लास काम कर रही है, और सेल्फ जो हमारा बिल्कुल नया बन चुका है, सेल्फ के अंदर आवाज़ भी नहीं बची है हमारे। तो अब हम लोग जो है इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे ले चल के, और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों सेल्फ को जो है हम लोगों ने फिट कर दिया है गाड़ी के अंदर, अब हम लोग जो है आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। चलिए करिए स्टार्ट। ये दोस्तों गाड़ी जो है आपको स्टार्ट करके दिखाती है, गाड़ी को जो हम लोगों ने आपको स्टार्ट करके भी चेक करा दिया है सेल्फ को। तो मिलते हैं आप सभी भाइयों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।